डॉल, आज मैंने तुम्हारे लिए मीट बनाया है, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी। डॉल जो हुआ उसे भूल जाओ, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा खा लो। नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा दूध पी लो। दूध भी नहीं, तुम्हारा खून पीऊंगी मैं। तुम्हें क्या हो गया आजकल, जब से तुमने हॉरर पिक्चरों में काम करना शुरू किया है ऐसे ही डायलॉग बोलती हो। खून पी जाऊंगी, मांस खा जाऊंगी, हड्डी चबा जाऊंगी। ये हॉरर फिल्मों की गलती नहीं है, सब तुम्हारी मम्मी जी की गलती है। मेरी मम्मी जी ने क्या किया है? तुम जैसे निखट्टू को जन्म देके मेरे कर्म फोड़ दिए हैं। देखो देखो, अब तुम सोशल पिक्चरों के डायलॉग बोल रही हो ललिता पवार की तरह। और नहीं तो क्या करूं, तुम्हारी मम्मी के बारे में प्रेस सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मेरी मम्मी बड़ी रईस है, अफ्रीका में है, उसकी डायमंड की खेती है। ऑफ कोर्स डॉग, उनकी डायमंड की खेती है, लेकिन मेरे लिए तो रेती है ना रेती। आज तक छोटा सा हीरा भी दिया है मुझे मुंह दिखाई में। डॉल जब तुम्हारा मुंह देखा ही नहीं तो फिर कैसे देगी? छोटी सी वेडिंग की रिंग तो भेज सकती थी। अब भेजेगी नहीं, खुद आएगी देने के लिए। हाँ मैंने उन्हें कई खत लिखे हैं। हाँ, ये बात सुनते सुनते भी मेरे कान पक गए हैं। पहले तुम्हारी मम्मी थी दिल्ली में तुम्हारे बाप के साथ, फिर वो भाग गई ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे दूसरे सौतेले बाप के साथ, फिर वो भाग गई अमेरिका तुम्हारे तीसरे सौतेले बाप के साथ, अब वो भाग गई है अफ्रीका तुम्हारे चौथे सौतेले बाप के साथ। नहीं नहीं, ये अफ्रीका वाले जो पापा है ये तो पांचवे है, टोबा कसाबा। हाँ, जिनके साथ भागी है वो। भागेगी नहीं बेचारी तो क्या करेगी, तुम्हारे बाप भी तुम्हारी तरह निखट्टू ही होंगे। रियल पापा जो है ना, जर्नेल पापा, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझसे भी अच्छा खाना पकाते हैं, मुझसे भी साफ कपड़े धोते हैं। क्यों भागी तुम्हारी मम्मी? जब मम्मी आएगी तो उन्हीं से पूछ लेना। आने दो उस बुढ़िया को, गिन गिन के हीरे लूंगी। क्या कहा तुमने? गिन गिन के बदले लूंगी। क्या क्या कहा तुमने? देखो डॉल, अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे? मैं कहता हूँ कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी के चमचे, क्या करोगे तुम? डॉल तुमने मेरा हाथ नहीं देखा, तुमने मेरा हाथ नहीं देखा। दिखाओ। मेरा हाथ नहीं देखा। दिखाओ। ये देखो वेट लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। देव, तुमने मुझसे ऐसे बात की, मैं तुम्हें घर से धक्के मार मार के निकाल दूंगी। सुन रहे हो ना तुम? ये दिलरुबा का बच्चा आजकल प्रेमा जी के साथ झगड़ा बहुत करता है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? रोज रात को अगर कोई जोर जोर से चिल्लाता है तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना। तुम उनकी बातें सुनते ही क्यों रहते हो, इसीलिए तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कोकी, रोज रोज का झगड़ा करना प्रेमा जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन झगड़ा तो हम भी करते हैं केशव, उसी से प्यार बढ़ता है। क्या इसका मतलब उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा? बोल लो। कोकी जी, कोकी जी मुझे बचा लीजिए, कोकी जी मुझे बचा लीजिए। उधर क्या बात करता है, इधर बात कर, क्या हुआ? बात यह है कि मेरी मम्मी अफ्रीका से बहुत सारा डायमंड लेकर आने वाली थी, अब नहीं आई। इस चक्कर में आज डॉल ने 4 दिन से खाना नहीं खाया। प्रेमा जी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया? हाँ। और मैं दुष्ट निष्ठुर पापी यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर। तो आप प्रेमा जी को मनाते क्यों नहीं? मैं तो दिन रात यही काम करता रहता हूँ, मुझे कोई दूसरा काम करना आता है क्या? अरे लेकिन इस तरह हंगर स्ट्राइक से तो वो दुबली हो जाएगी। केशु तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, तुम्हारा नाश्ता भी हो चुका है, चलो उठो। दिलरुबा जी, आप अपनी मम्मी को क्यों नहीं बुलवाते? मैंने तो कई खत लिखे हैं, अब वो नहीं आती तो मैं क्या करूँ? फैक्स कीजिए, टेलेक्स कीजिए, एसटीडी कीजिए। एसटीडी नहीं होता, आईएसटी होता है, पता भी है कुछ? वो कीजिए लेकिन उनको बुलवाइए। केशु लेकिन कोकी, इनकी माँ का यहाँ आना मेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, तुम्हारी सेहत को क्या हुआ? क्योंकि जब तक प्रेमा जी खाना नहीं खाएगी तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। जा रहा हूँ ऑफिस। तुम हंगर स्ट्राइक पर हो ना, तो इन्हें छोड़ो। हाँ। और जाओ। जा रहा हूँ। देखिए ना कोकी जी, ये क्या केशु हुआ? तुमने कितने पान खाया है? दो पान। तो यहाँ तो 6 पानों के पैसे लिखे। वो बाकी के 4 गोखले खा गया ना। क्यों खिलाते हो गोखले को पान? अब 6 महीने पहले उसने मुझे एक बार पान खिलाया था, तो अब वो कहता है कि रोज तुम खिलाओ। बस करो कल से उसके साथ पान खाना। हाँ अच्छा। आजकल तुम्हारी अय्याशिया बहुत बढ़ने लगी। हाँ। देव, I hate you, I hate you, I hate you. Idiot. डॉल, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। ये आवाज तो प्रेमा जी के घर से आ रही है। वो उनका आपस का मामला है, तुम यहाँ आ जाओ। अरे ये तो दिलरुबा जी के कपड़े नीचे आने शुरू हो गए। कुर्ता, पायजामा। अरे कोकी, ये तो दिलरुबा जी नीचे आ गए। दिलरुबा जी नीचे आ गए। हाँ?
इसका मतलब प्रेमा जी ने दिलरुबा को फेंका? पागल, इतने बड़े दिलरुबा जी को नाजुक प्रेमा जी नीचे कैसे फेंक सकती है? दिलरुबा जी नीचे कपड़े लेने आ गए। अरे रे केशु, बेचारे दिलरुबा जी बहुत दुखी नजर आ रहे। प्रेमा जी भी तो दुखी होंगी। जरा देख कर आओ ना। मैं अभी प्रेमा जी को देख कर आता हूँ। प्रेमा जी को नहीं, दिलरुबा जी को। पहले इससे निपट लेता हूँ, बाद में प्रेमा जी को देखता हूँ। क्या हुआ दिलरुबा जी, ये आप ऊपर देख के रो क्यों रहे? उसने मुझ पे हाथ उठाया। अच्छा किया, आ, बुरा किया प्रेमा जी ने आप पर हाथ उठाया। बता रहा हूँ। कहाँ? अफ्रीका आपकी माँ को लेने? जी नहीं, इधर बाजू में पूना डॉल की। यहाँ तो फिर आपकी माँ कैसे आएगी? वो आ जाएगी यहाँ। अच्छा, देख लेना, वो डॉल को खाना भी खिलाएगी और उसको जूते भी मारेगी। जूते? प्रेमा जी को जूते मारेगी? हाँ, और दो चार तुम्हें भी टिका देगी। पूना, इसका मतलब प्रेमा जी अब अकेली। हेलो राम भरोसे, दो इडली और एक गर्मा गर्म कॉफी प्लीज। हाँ हेलो, ओह गॉड, गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। केशव जी, गुड मॉर्निंग नहीं, बैड मॉर्निंग कहिए। क्यों, क्या हो गया? कल रात मेरा दिल से झगड़ा हुआ, वो घर छोड़कर भाग गया। अरे ये तो अच्छा हुआ ना, मैं जो हूँ। केशव जी, भूख के मारे मेरे सर में दर्द हो रहा है। प्रेमा जी, आप कहे तो मैं आपका सर दबा दूं? नहीं थैंक यू। वैसे भी आप कहाँ कहाँ तक मेरी मदद करेंगे, यहाँ तो सारा काम ठप पड़ा है। अरे आप एक बार कहकर तो देखिए, आपके लिए तो मैं अपनी जान 5-6 बार कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। प्रेमा जी, केशव जी आप कितने अच्छे हैं। प्रेमा जी आप भी कितनी अच्छी हैं। हाय बे, जाओ इस घर के मालिक को बुला। मालिक? What do you mean मालिक? इस घर के मालिक को बुला। Who? दिलरुबा। दिल? दिल घर पे नहीं है मालिक। तो चलो मालकिन को लेके आ। Excuse me, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, कहिए। तो फिर ये कौन है, नौकर में है? नहीं 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 नहीं, नौकर नहीं, ये तो हमारे पड़ोसी केशव कुलकर्णी है। I am केशव कुलकर्णी, BA, head clerk. But excuse me, आप कौन है? I am Mrs. Dhaba Kasaba, Dilruba ki ma. Excuse me, Mrs. Dhaba Kasaba, आप पृथ्वी लोक से ही हैं? Yes, yes, पृथ्वी लोक से, अफ्रीका से है ना मम्मी? मम्मी जी, आप अफ्रीका से कब आई? उसको छोड़ो, ये बताओ हमारा सन दिलरुबा किधर में है? पुना। पूना गया है। पूना, पूना। इसलिए तुम ये चश्मिश चूहे के साथ चक्कर चला थी। ओ माँ जी, जबान संभाल के बात कीजिए। हुजा कुजे, हुजा कुजे, हुजे हुजे, क्या बोला? जबान संभाल के बात कीजिए। यस। क्या बोला? जबान संभाल के बात कीजिए। क्या बोला? जबान संभाल के बात कीजिए। जब तक तुम रहेगा मैं बात। प्रेमा जी, आप इनको जरा समझा दीजिए। क्या मटक बुमरेगा? मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। जमाटक बुमरेगा मीबा। मामी जी आपने ठीक नहीं किया। जमाटक बुमरेगा मीबा। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। तुम प्रेमशालिनी है? यस। हमारा रूम किधर में है? आपका रूम होटल में होगा, दिल आएगा आपके पास भेज दूंगी। तो ठीक है, हम होटल में जाती, दिल आएगा तो उसको बोला हमारे पास में आए और अपना डायमंड, अपना हीरा लेके जाए। मामी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका डायमंड, आई मीन आपका रूम तो रेडी है यहीं पर। आई वाज जोकिंग मामी जी। अच्छा, लेकिन हमारा सन दिल यहाँ नहीं तो हमारा दिल यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन मामी जी, मैं भी तो आपकी डॉटर हूँ। कुकी जल्दी मारो। ओ डैडी, किसी ने मारा क्या? क्या हुआ केशु? जमाटक बुमरेंग अमीबा। तुम नींद में तो नहीं हो ना? कुकी, वहाँ प्रेमा जी की सास आई हुई है, जल्दी से भगाओ उसे। प्रेमा जी की सास है ना, दिलरुबा जी की मम्मी। आ गई वो? कैसी है? जमाटक बुमरेंग अमीबा। उनका नाम है ढाबा कसाबा। अच्छा अच्छा, ये गांव का नाम है? अपना नाम है। तो तुम ये अमीबा क्या बोल रहे हो? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, मैं मजबूर। जल्दी से उस ढाबा कसाबा को किसी ढाबे में खिसकाओ। अरे हम कौन होते हैं उन्हें खिसकाने वाले? वो अपने बेटे के घर आई है, चाहे जितने दिन रह सकती है। अरे लेकिन वो प्रेमा जी का बुर्ता बना डालेगी और इस सारे इलाके को हिला डालेगी। मालूम है, मालूम है, बड़े आए प्रेमा जी को चाहने वाले। अब तुम्हारी मम्मी को आने दो, उनको भी मैं ऐसे ही भगाती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी ढाबा कसाबा थोड़ी है। चुप करो और अब उठो ऑफिस के लिए,
ये सोशल सर्विसेज करना बंद करो वरना अपनी सर्विस से हाथ धो बैठोगे। ये भी ठीक है ओके। अच्छा मैं ऑफिस जाता हूँ। अरे कपड़े तो बदलो। अरे हाँ एक्सक्यूज मी। देखो प्रेमा हाँ? ये डायमंड हाँ? ये हीरा हाँ? स्टेट सिंगर जुलू के प्रिंस अमरतुलु ने टैब को दिया। टैब टैब का साबा दिल का पांचवा पापा। पांचवा पापा दिल का। आई मीन ससुर जी आपके साथ क्यों नहीं आए? कैसे आएंगे वो हुँ? उनका तो वहाँ पर अफ्रीका में डायमंड का खेती। डायमंड का खेती? ओ मम्मी जी आप तो मजाक कर रहे हैं। टमाटर बूमरैंग स्मॉल अनियन। अब मैंने क्या कहा मम्मी जी? और क्या वो वहाँ पर काम करता तो हम यहाँ क्या मजा करने को आएगी? नो मम्मी जी मैंने मजा नहीं कहा, मैंने कहा मजाक, आई मीन जोक। जोक जोक तो हम भी बहुत मारता। यू नो हम जब भी अपने हबी के साथ जंगल में शिकार पर जाते तो हमारा जोक सुन सुन के जंगल के सब जानवर बेहोश हो जाते। हो जाते होंगे मम्मी जी। मम्मी जी मैं चेंज करके आती हूँ, आपके लिए चाय वाय लाऊंगी। नो हम चाय नहीं पीते, चाय से रंग काला होता। तुम्हारे सर में जू है? आप जू? नहीं मेरे सर में जू नहीं हो सकती मम्मी जी। प्रेमा जी, प्रेमा जी, कुकी जी, नमस्ते। नमस्ते कुकी जी। मैं दिलरुबा जी की मम्मी से मिलने आई। व्हाट अ इंडियन ब्यूटी, गुलाब का फूल, चांद का टुकड़ी। ये कुकी जी है। नमस्ते मम्मी जी। गॉड ब्लेस यू। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। हु इज शी? आज वो सुबह जो आए थे ना वो चश्मिश चूहा। कौन चश्मिश चूहा? नहीं नहीं कुकी जी, मम्मी जी को तो मजाक कर आई मीन जोक करने की आदत है। प्रेमा जब हमारे लिए चाय बना के लाओ। लेकिन मम्मी जी आप तो कह रहे थे कि चाय से रंग काला होता है। जमा तक तो मरेगा नहीं बात। मम्मी जी बना के लाती हूँ। अमीबा सुबह केशु भी यही कुछ बोल रहा था। अमीबा छोड़ छोड़, जब तक प्रेमा चाय बनाती हम दोनों प्रेम की बात करते। आपका हाथ, आपका चेहरा दिलरुबा जी से कुछ ज्यादा ही मिलता है। ऑफ कोर्स दिलरुबा इज माय सन, तभी तो कितना हैंडसम है। और तुम भी कितनी खूबसूरत हो। लेकिन ये मेरी बहू एकदम स्टूपिड है, एकदम इडियट है। काश हाथ हमेशा के लिए मेरे मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे दिल के हाथ में होता हमेशा के लिए। हेलो केशव कुलकर्णी। केशव जी आप कहाँ हैं? प्रेमा जी आप कहाँ से बात कर रही है? घर से बोल रही हूँ, सासू जी की सेवा कर रही हूँ केशव जी। वो अमीबा? अरे प्रेमा जी उसने तो मेरा जबड़ा ढीला कर दिया। केशव जी आपने तो सिर्फ एक बूमरैंग खाया होगा, सुबह से मैं 10 खा चुकी हूँ। तो प्रेमा जी आप उसे भगा क्यों नहीं देती? केशव जी कैसे भगाऊं उन्हें, करोड़ों रुपए के हीरे लाए हैं और उस इज्जत दिल का वेट कर रही है। लेकिन ये दिलरुबा जी कहाँ चले गए? पता नहीं केशव जी, I'm feeling so alone. तो एक काम कीजिए ना प्रेमा जी, जब तक मैं नहीं हूँ तब तक आप कोकी को बुला लीजिए। कोकी जी तो यही है घर में और मम्मी जी उनसे बहुत प्यार कर रही हैं। हाँ। कोकी को भी कोई प्यार कर सकता है क्या? हाँ और पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, कभी कहती हैं चांद की टुकड़ी, कभी कहती हैं गुलाब का फूल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। चांद की टुकड़ी, गुलाब का फूल कोकी को? केशव जी आप ही बताइए ना मैं क्या करूं, I'm very परेशान केशव जी। देखिए प्रेमा जी मेरा तो ख्याल है दिलरुबा जी भेष बदल कर आए हैं। केशव जी ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? होता है, आपकी फिल्मों में तो ऐसा ही होता है। लेकिन आप फिक्र मत करें प्रेमा जी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। आप मेरी कितनी मदद करते हैं, आप कितने अच्छे हैं केशव जी। आई नो प्रेमा जी, आई नो आप भी बहुत अच्छी हैं केशव जी। बाय प्रेमा जी, बाय। केशव प्रेमा जी का फोन था ना? हाँ गोखले, उनकी सास अफ्रीका से करोड़ों के हीरे लाई। अफ्रीका से? तो फिर वो हीरे भी काले ही होंगे। हीरे काले हैं कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला है। क्या मतलब? मुझे तो लगता है वो दिलरुबा का बच्चा ही भेष बदल करा है। अरे उसकी माँ बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती है। अरे यार गधे की अम्मा तो गधी ही होगी ना, घोड़ी थोड़ी होगी। लेकिन ये गधी और घोड़ी की रेस में मैं खच्चर बन गया हूँ। ये बात है केशव। हाँ ये बात है। हाँ तू फिकर मत कर, अरे बाजार में हकीम जोशोमल ओशो के पास इंसान बेहोशी नाम की दवा है। इंसान बेहोशी?
हाँ ये सब तुझे कहाँ से मिल जाते गोखले? कहाँ से? आगे मतलब की बात सुन केशव। हाँ। ये इंसान है बेहोशी दवा। हाँ। चाय में मिलाकर पिलाने से आदमी बेहोश हो जाता है। क्या करता है गोखले? हाँ केशव। हाँ। और इस दवा का असर पूरे 48 घंटे रहता है। 48 घंटे? क्या बात है केशव, क्या हुआ? गोखले। हाँ केशव। वो दवा मुझे दे दे गोखले। वो दवा मुझे दे दे। उस दिलरुबा के बच्चे को बेहोश करके मैं उसका मेकअप नोच लेना चाहता हूँ। संभालना केशव, संभालना केशव, रिलैक्स। आपको हमारा घर अच्छा लगा मम्मी जी? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। एक अच्छा घरेलू औरत थी, चार दीवारी और छत के साथ अच्छा घर बना थी। थैंक यू स्वीट होम। ओह हेलो मिसेस अच्छा खासा ढसाबा। देखो मिस्टर, हमारे नाम का वाट नहीं लगाने का। आई एम मिसेस ढाबा का साहब। ओके सॉरी सॉरी। और तुम्हारा तबीयत कैसा है अब छिलके? ठीक है ठीक है। केशु आज तुम्हें देर हो गई। अब वो जरा आड़े बाजार चला गया था ना। आड़े बाजार? नहीं, वो गोखले जरा सीधा रास्ता भूल गया तो हम आड़े बाजार चले गए। अच्छा सुनो केशु, तुम यहाँ बैठ के मम्मी जी से बातें करो। हाँ। मैं चाय बना कर। नहीं, 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 कोकी, चाय आज मैं लाऊंगा। अच्छा, मैं लाऊंगा। केशु थैंक यू। ओके अच्छा सुनो। हाँ? चाय मैंने तैयार करके रखी है, सिर्फ लेकर आना। ओके तुम्हारा ये लंगूर कितना समझदार। उसे कभी कभी समझदारी का सीवियर अटैक आता है। Really? I tell you, तुम्हारा हैप्पी मैरिड लाइफ देख के हमको हमारा जमाना याद आती। क्यों मम्मी जी, आपको भी अपने हस्बैंड इतना ही प्यार करते हैं? Of course! मेरे सब पति लोग ने मेरे को बहुत प्यार किया। Oh. अलग अलग तरीके से प्यार किया। You know, tap? टैप तो मेरे हाथ से कुछ भी खाती, कुछ भी। यानी? मेरे हाथ से मार भी खाती, थप्पड़ भी खाती, कुछ भी, झाड़ू भी खाती। एक बार वो छोटा मिस्टेक किया, छोटा, उसको मारने के लिए मैं सैंडल उतारा। मम्मी, चाय। अरे हाँ कोकी, एक बात बताना ही भूल गया। कौन सी? अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक भैंस ने गंगा मौसी को टक्कर दे दी। हाँ जाओ, अभी तक रास्ते में पड़ी होगी। कौन, भैंस? नहीं, गंगा मौसी। ओह मम्मी जी, मैं अभी आई हूँ। मम्मी जी, चाय कैसी बनी है? अच्छा है, बट सम हैंकी पैंकी। कुछ हो रहा है? कुछ होता। वो तो होना ही था, कुछ होना ही था। जय गोखले। चमाटक बूमरैंग अमीबा। चश्मा निकाल लो, निकालो, अब मारो। भगवान के लिए चुप हो जाओ केशव। अब तुम ऐसी जानवरों जैसी आवाजें मत निकालो केशु, मुझे डर लगने लगा है। कुलकर्णी, कुलकर्णी, क्या हुआ? केशु, कौन है? बॉस। कौन बॉस? कौन बॉस? कुकी जी, क्या हुआ इसको? ये रात भर ऐसे चल रहा है सर, कुछ अजीबोगरीब आवाज निकल रहे हैं और बीच बीच में गोखले को मारो, प्रेमा जी को बचाओ ऐसे चिल्ला रहे थे। गोखले को क्यों मारना? मुझे नहीं पता। अमीबा नहीं, अमीबा नहीं, 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 नहीं केशव, नहीं नहीं केशव, ये दोष मेरा नहीं, उस हकीम के बच्चे का है। उसने तुम्हें इंसान बेहोशी की जगह जोशे जवानी की फरिया दे दी। हाँ, इसलिए दिल के बच्चे में इतनी ताकत आ गई। प्रेमा शाली ने चिल्ला रही ना, गोखले प्रेमा जी को बचा ले, गोखले उनको अमीबा डस गया, बचा ले, बचा ले। गोखले गोखले, ये बेहोशी में भी प्रेमा शाली की याद कर रहा है बेटा, कुछ करो कुछ करो। आइडिया खाना पकाएगी? पकाऊंगी मम्मी जी। दिल के कपड़े धोएगी? लेकिन दिल तो घर में नहीं है मम्मी जी। टमाटर बूमरैंग अमीबा, जो हम कहती वो नहीं करेगी तो जुबान काट के अफ्रीकन काले कुत्ते को खिलाएगी। नो मम्मी जी, प्लीज खिला। Excuse me, who are you? Behave yourself. I'm
योर डार्लिंग हस्बैंड ढावा कसावा। हमारा हस्बैंड तो उधर अफ्रीका में है। हम अफ्रीका से आए डार्लिंग तुमको लेने के वास्ते। हमारे बहू किधर है? मैं इधर हूँ पापा जी, आई मीन ससुर जी। कम यार यंग लेडी, कम यार, गॉड ब्लेस यू। हेलो टीना कसावा, तुम सारा डायमंड हमारा बहू को देकर के हमारा साथ अफ्रीका चलना। अगर तुम हमारा पति है, हमारा हस्बैंड है, तो हमारा अफ्रीका का एड्रेस बोलो। ओके, 7900 ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिराफ रोड ज़ूज़ू। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिराफ रोड ज़ूज़ू। हम के ज़ू में रहती, हम के अफ्रीकन सवारी, बूमरैंग अमीबा। शर्मा जी, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी मम्मी जी ने तो हमारी हालत घुमरा गमी बा।